लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। आज हम लोग और हमारी टीम पटना की सड़कों पर निकली है और ठंड का मौसम आ रहा है तो और ये जानने निकली है कि ठंड में सबसे ज़्यादा जो डिमांड में होता है वो होते हैं अंडे, और कहाँ पे बहुत सालों से अंडा कोई बेच रहा है तो हम तलाश में निकले। हम सीधा पहुँच चुके हैं अभी सब्जी बाग और हमारे साथ हैं छोटू भाई। गुड इवनिंग। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद हुआ, नाम मेरा छोटू हुआ। अच्छा, आप छोटू से फेमस है। हाँ, भैया आप कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं? ये दुकान देखिए भाई, हाँ, ये आज़ादी के बाद हमारे दादा बेचते थे। अच्छा, फिर हमारे वालिद साहब बेचे जी, और हम लोग तीसरा पूस में हैं। अच्छा, तीसरा पूस। हाँ, ये हम लोग ये बेच रहे हैं। आपने कब से संभाला? हमने 80 से होश हवास में संभाल लिया। 1980 से? हाँ, एकदम संभाल लिया। अच्छा, हाँ बोला। अच्छा ये बताइए, 1980 में जो अंडे का डिमांड था, अब 2019 आ गया, मतलब करीब 39 साल, कितना बदला, क्या देखा अपने आंखों से आपने बदलते हुए? कितना नहीं बदला। हाँ। अब सारे के सारे लोग अंडे को शाकाहारी समझ के खा रहे हैं। अच्छा। पहले मांसाहारी था। अच्छा, तो पहले लोग ज्यादा थे या अब ज्यादा लोग हैं? अब ज्यादा लोग हैं, बिना अंडे के नहीं रह सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज बताइए, उस टाइम का दौर कैसा था? उस टाइम लोग कितने आते थे, क्या क्या था और क्या रेट था उस टाइम अंडे का? उस समय देखिए 30 पैसे 35 पैसे अंडा बिकता था। अच्छा। और गर्मी में बहुत कम बिकता था। अब ऐसा कोई बात नहीं है, अब अंडे को लोग 12 महीना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आपने जब बेचना शुरू किया तो 30 और 35 पैसे था? जी जी जी। अच्छा सर, ये बताए उस टाइम अंडे का इतना ही आइटम था या सिर्फ अंडा बॉयल कर? वाइल्ड ऑमलेट पोच यही बनता था, इसके अलावा ये सब नहीं था। तो वक्त के साथ साथ आपने भी सब डिश में, अंडे के डिश में चेंजेस लाए? बहुत चेंजिंग आ गया, अब हर चीज़ में अंडा, केक में अंडा, ब्रेड में अंडा, अंडा ब्रेड हो गया तो चाउमीन में अंडा, मैंने अंडे को आलू जैसा इस्तेमाल करना है। अच्छा। जैसे चाहिए अंडे को खाइए, एगी में, मैगी में, चाहे जिस चीज़ में जैसे खाना खाइए। अच्छा, अब आप अंडे कैसे, मतलब कैसा, क्या क्या है अंडे का, क्या क्या आइटम है आपके पास और क्या प्राइस है उसका? अभी देखिए एक अंडे का कीमत 5 रुपया खरीद के आता है जी, अब वो हर रेट में बिकता है। कच्चा अंडा 6 रुपये है, दुबला 7 रुपये है, ऑमलेट 10 रुपये है, ब्रेड है, ये है वो, मन इसी तरह चल रहा है। अब अंडा 5 रुपया खरीदने के बाद जैसे बिके वो 6 बिके 7 बिके। आपने कहा 1980 से चलाते आ रहे इस दुकान को भैया, तो आपने तो बहुत सारा जनरेशन देखा होगा, मतलब एक तो ऐसे कुछ कहानी बताएं जैसे एक जनरेशन में किसी के पापा भी हैं, उनके बेटा भी और उसके बेटा भी आ रहे। हाँ, ऐसा क्यों देखा आपने? क्या क्या जैसे 40 साल हो गया, हाँ, जनरेशन बदल जाता है। हाँ, तो ऐसा हुआ कि इस स्टॉल पे, हाँ, उसके पापा ने भी खाया? हाँ, या फिर क्या? खाया उनके पापा खाए, उनके बेटा खाए, उनके पोता भी खा रहे हैं आज। अच्छा, हाँ ऐसा बात है, मगर आप वैसे ही के वैसे ही हैं, उतने ही फिट? हम लोग इतने ही वैसे ही हैं, वही 4 बजे से 3 बजे भोर तक हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मतलब शाम 4 बजे से? हाँ, सुबह के 3 बजे 3 बजे तक। हाँ। अच्छा सर, ये मतलब हर सीजन में चलता है या सिर्फ गर्मी में? सब दिन चलता है, अब अंडा खाने वाले सब दिन लोग खा रहे हैं। अच्छा, अब अंडे में कुछ ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में था कि अंडे को लोग समझते थे कि बहुत गर्म होता है, अंडा आलू हो गया है। अच्छा, खा रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसे लोग जैसे पॉलिटिशियन या फिर कोई भी लोग जो आपके दुकान पर रेगुलर आकर अंडा खाते हो या जिन्होंने आपका अंडा खाया हो? हम लोग के यहाँ अंडा देखिए ज़्यादातर के रोड पर आने वाले लड़के रहने वाले स्टूडेंट टाइप के लोग ज़्यादा हैं जी, स्टूडेंट टाइप के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब स्टूडेंट आकर यहाँ ज़्यादा खाते हैं? स्टूडेंट लोग ज़्यादा खाते हैं, चाहे मेडिकल के लड़का हो, NIT का लड़का हो, या इस एरिया में रहने वाले लड़का स्टूडेंट लोग हैं, उन्हीं लोग का ज़्यादा है। घर वाले लोग तो होलसेल से खरीदते हैं, लोग चले जाते हैं जी जी। बाज़ार में खाने वाले हॉस्टलें के लड़के लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, यही सब ज़्यादा हैं रोड पर। सर तो डिमांड कैसा होता है? सर डिमांड कैसा होता है लोगों का? डिमांड में कहाँ दिक्कत है, लोग अंडे को बहुत आसान समझ गए लोग, और चीप एंड बेस्ट है, अब ताज़ा खाना है। अच्छा, फ्रेश। देखिए अभी लोगों का डिमांड आ रहा है अंडा दीजिए अंडा दीजिए। हाँ। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हाँ। आप अकेले कैसे मैनेज करते हैं इतने? नहीं रहते हम, दो भाई रहते हैं। अच्छा, हो गया, आप दो भाई रहते हैं। अच्छा ये बताए सर कि शाम 4 बजे से सुबह के 3 बजे तक ये डेली का रूटीन होता है जो, हाँ, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे रोज मैनेज कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं। ये अभी जो प्याज काट रहे हैं वो अंडे का क्या बनाइएगा उसका? अंडे का ऑमलेट बनेगा। अच्छा, हाँ। तो अभी आप अंडे का ऑमलेट बनते हुए देखेंगे।
अंडे का क्या क्या चीज है वैरायटी? अंडे का बता दीजिए कि आलू जैसा इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आलू जैसा? हाँ, जिसमें जिसमें चाहिए डाल के खा जाइए, जिसमें चाहिए डाल के खाइए। अभी आपको हम दिखाएंगे कि अंडे का आमलेट बनता हुआ इसी दुकान पे, और लोगों की भीड़, बस अभी दुकान लगा और लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। ओके, तो आपको लाइव सिटीज दिखाएगा कि अंडे का कितना डिमांड है इस विंटर में। ओके, और हम उस दुकानदार से बात कर रहे हैं जिनका आज़ादी के टाइम से दुकान चला आ रहा है और ये खुद 1980 से इस दुकान को संभाल रहे हैं। अच्छा सर, एक दिन में कितना अंडा बेच लेते हैं आप? 300 भी बिक सकता है, 500 भी बिक सकता है। एक एवरेज? एवरेज 300-400 बस। 300-400 अंडा लोग खा जाते हैं? हाँ, खा जाते हैं। अच्छा, ये गर्मी में कितना हो जाता है, और अभी ठंड आ रहा है, ठंड में कितना होता है एवरेज? देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लोग सब दिन अंडा खाते हैं। हाँ, बस उसी में 900-120 होता है, मतलब अब ज़्यादा का फर्क नहीं होता अंडे में। अंडे के स्टॉल पे हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी। अच्छा, आप यहाँ रोज़ खाने आते हैं? रोज आते हैं। अच्छा, क्या यहाँ यहाँ का क्या अच्छा लगता है आपको अंडे का? बहुत सा अच्छा चीज़ लगता है। अच्छा, तो लाइक आपको बॉयल अंडा पसंद है, फ्राइड पसंद है क्या? बॉयल्ड पसंद है। ये जो दुकान है सब्जी बाग मोड़ सीधे ठीक पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने ये दुकान है, और यहाँ पे अगर आपको अंडे खाने का मन है, अंडे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ खाने का मन है, तो आप शाम 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आपको हर चीज़ मिलने वाली है। अगर आपको भूख लगती है रात में और आप सोच रहे हो आप कहाँ कुछ मिलेगा, तो सीधे इस दुकान पे आ जाओ। सब्जी बाग पोस्ट ऑफिस के पास सामने में ये दुकान लगती है, और ये छोटू के भाई के नाम से फेमस है। और आपने जाना कि अंडे में कितना बदलाव आया है, क्या रेट था आज से 30 से 40 साल पहले। लोग पहले इसे सिर्फ नॉनवेज समझते थे, अब लोग वेज की तरह खा रहे हैं। इन्होंने बताया कितना बदलाव आया है, कितना सेल होता है, और ये बड़ी फेमस दुकान है। वैसे ही पटना की हर यूनिक चीज़ आपको लाइव सिटीज़ दिखाने वाला है, तो लाइव सिटीज़ के साथ जुड़े रहे। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे। और भी बड़ी छोटी खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।